पद्मावत की रिलीज के बाद दीपिका पादुकोण ने इससे जुड़ी कुछ बातें शेयर की हैं। दीपिका ने कहा कि किरदार की डिमांड के चलते उन्हें हैवी गहने और बहुत भारी लहंगे पहनने पड़ते थे, इस वजह से वो बेहद परेशान हो जाया करती थी। इसके अलावा शूटिंग के दौरान गर्मी ज्यादा पड़ रही थी। उनकी माँ ने तो जब किसी शॉट में रीटेक होते थे तो वो पहले अपनी वैनिटी वैन में जाकर नहाती थी और वापस आने के बाद फिर से सीन शूट करती थी। दीपिका ने बताया कि फिल्म के अंत में जो जौहर सीन से पहले डायलॉग है वो मैंने एक टेक में पूरा किया। इसके लिए संजय सर ने मेरी तारीफ भी की। वो डायलॉग है, चित्तौड़ के आंगन में एक और लड़ाई होगी जो ना किसी ने देखी होगी ना सुनी होगी, और वो लड़ाई हम क्षत्रानियां लड़ेंगी और यही अलाउद्दीन के जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। वो डायलॉग ये था। दीपिका पादुकोण के मुताबिक बाजीराव मस्तानी की शूटिंग के दौरान संजय लीला भंसाली ने उनसे पद्मावत के बारे में बात की थी। इसके कुछ समय बाद ही उन्हें फिल्म के लिए कास्ट कर लिया गया था। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।